माँ माँ का एक रूप जो दिखाई दे रहा है, आइए उनके साथ भैया पे जिसका नाम उसी ने किया मुझे बदनाम, तो घुंघरू बांध लिए घुंघरू बांध लिए घुंघरू बांध लिए घुंघरू बांध लिए। सुनिएगा माँ शक्ति की पूजा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए जब जब हुआ भ्रष्टाचार, जब जब हुआ अत्याचार, जब जब हुआ भ्रष्टाचार, शक्ति संग हुआ तो अत्याचार। इस समय महिला सशक्तिकरण की बहुत बात चल रही है राजेश भैया, लेकिन ध्यान रखिएगा जब जब हुआ भ्रष्टाचार, शक्ति संग हुआ जो अत्याचार। जिनकी बात आपने कहीं पर्वत से पैदा हुई और पर्वत पर रहने वाले को पर्वत की गुता मिली, लेकिन ध्यान रखिए उन्होंने क्या कहा बदौलिया भैया, ये माँ भवानी कहती है जन्म जन्म लगे लगर हमारी संग न रहो स्वामी, माँ ने ऐसा कर दिया। ये मात शक्ति सदैव इस पुरुष शक्ति को अपना मानती है, लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है, आइए हमें हमें शिक्षा लेनी है भोले नाम से। जीतू भैया जब जब हुआ भ्रष्टाचार, शक्ति संग हुआ जो अत्याचार, तो भोले लूट गए बेटा। ये एक पड़े रुपए हमारे अजीत यादव नगला दिल्ली बैठा बेटा से जो आए हैं अजीत यादव नगला दिल्ली वाले, उनकी ओर से ₹100 दिए गए हैं। मैं माँ भाई से यही कामना करते हैं आपकी बड़ा भंडार बची रहे। अब सुनिए जब जब हुआ भ्रष्टाचार, शक्ति संग हुआ जो अत्याचार, तो भोले अरे पार्वती ने समर्पण किया तो भोले नाथ रोशन आया। ये पुनः पुरस्कार आया है हमारे जीतू भैया जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आइए पहली बार सुनेगा मानी नहीं माँ, भवानी माँ ने भोले नाथ की बात नहीं मानी, मानी नहीं माँ, पितु के यज्ञ में थी आई, आपको मान पति का देखा तन किया जलाई। यज्ञ में पहुंची लेकिन जब भोले नाथ का भाग नहीं मिला तो माने माने कहा कि मैं तो भोले नाथ के बिना जी नहीं सकती, उसने उनके अपमान को देखकर जी नहीं सकती, तो सती मैया जल करके भस्म हो गई। और जब सती को जलते हुए सुना तो क्या हुआ, सुन ऐसे समाचार सबने बदले तुरंत विचार, तो भोले आइए एक जगह और दिखाएंगे भोले कब रूठे। सिया सूद लेने लंका गए तो पिराई है, पकड़वा के रावण पूछ में आग लगवाए। भोलेनाथ भोलेनाथ के एक आदर्श में रुद्र के रूप में अवतरित हुए हनुमान जी, और जब हनुमान जी पंकज के भोलेनाथ आए कहा मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, माँ भवानी बोली मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बोले अब ऐसे कैसे चलोगी, मैं तो पंकज के रूप में जा रहा हूँ। भोलेनाथ पार्वती मैया बोली महाराज मैं आपकी
खून सुधर करके चलोगे। और जब जब लंका में हनुमान जी के शरीर पर कहीं और आग लगती तो शायद इतना क्रोध ना आता। जैसे ही पकड़ बाप के रावण पूछ में आग लगवाई है, जब त्यागा शिष्टाचार हुआ चोरी अग्नि का सच्चा, तो भोले रुद्र के रूप में हुआ जो अग्नि का संचार, तो भोले थोड़ा और नीचे उतर करके युग से नीचे उतर के आइए, लेकिन रहिए पर्वत पर। बिल्कुल साथ तो साथ ही करना लगभग 100 साल पहले कुछ लोगों ने धारी मैया को वहां से उठा करके जब दूसरी जगह पकड़ लिया तो पास से गई सिधार, पास से गई सिधार अकेले रह गए सब केदार। जब माँ को केदार भोले नाम से अलग किया गया तो आप लोग जानते हैं क्या हुआ। पास से गई सिधार अकेले रह गए सब केदार, तो भोले भूल दोबारा हुई। आप लोग जानते हैं आगरा भट्टी बहुत से लोग केदार घाटी में गए थे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, तो हुआ क्या की भूल पापे फिर से हटाया तो केदार घाटी में तूफान आया। क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं हटे बादल पे संकट आना और यहाँ दोनों हुए बादल फटा तो मानो उनके ऊपर बादल फटा जो लोग वहां थे के फटे बादल पे सोमवार मच्छा पर्वत पे था जीतान, क्यों मच्छा पर्वत पे था जीतान के बोले श्री विशेष पाल जी का धारकपुर धारकपुर जो हमारे राजेश भैया जी के बिल्कुल बगल में है वहाँ के श्री विशेष पाल जी हमें 51 रुपए दे रहे हैं। हमारे और साथ माँ के भक्तों ने दिए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अंतिम राय सुनेगा शीतल सीखो सदाचार नहीं तो मिट जाएगा संसार। बोले
क्यों आती हो तुम मेरे सामने, यूं आते क्यों हो, और जब दिल नहीं मिलता तो नजर मिलाते जब दिल नहीं मिलता तो नजर मिलाते क्यों हो। मैं तो बाजार में आ गया हूँ तो बिक ही जाऊंगा, तुम लोगों को मेरी कीमत बताते क्यों हो। क्यों हो दुश्मनी है अगर तो छिड़क दो नमक मेरे जख्मों पर, तुम मेरे जख्मों पे मरहम लगाते एक बहुत अच्छी बात आई डॉक्टर भैया जी, आपकी बहुत अच्छी जो मुझे बात लगी वो ये थी क्या थी कि करी शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के सौ टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। बहुत अच्छी बात, लेकिन यहीं से मेरी बात शुरू होती है। करो सोने के सौ टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। भैया जी एक बात और, दादाजी आपने कहा मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम बस दी है कि बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं। मेरा कहना है करो सोने के सौ टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती, दादाजी कशिश कुछ और बढ़ जाती है चाहत कम नहीं होती। यही बात है, कोशिश कुछ और बढ़ जाती है चाहत कम नहीं होती, और अगर बासी भी बच जाए गरीबी में, अगर रोटी बासी भी बच जाए तो उसे भी ग्रहण कर लेता है, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। लज्जत कहते हैं स्वाद, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। और अरे नादान, ये माही इज्जत और शोहरत की मालिक है, जब तक ये माँ नहीं चाहे तो इज्जत कम। लीजिएगा आपका गीत आया है, ये और एक आशीर्वाद पढ़ा श्री अनु प्रधान जी नगला राम सुंदर निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी तो बस अधूरी कहानी है, मिटा देता उसका हर दर्द सीने से। क्या बात, जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी तो एक अधूरी कहानी है, मिटा देता उसका दर्द सीने से, मगर ये दर्द ही तो उसकी निशानी है। ये बात है, गीत आया था ये भी कम है बाप जिसका नाम उसी ने किया मुझे बदनाम। Thank you.
आपने जितनी जगह पर लगाए भोले रूठ गए उन सभी स्थानों को बचाकर मैं एक प्रसंग और लाया हूँ क्या भोले रूठ गए चौकबाजी का तरीका है। ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्री अजीत यादव जी नगला खिल्ली एटा और ये नगला खिल्ली बड़े भाई राकेश जी के घर के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रसंग और आया दादा जी आप देखिएगा आपने जो प्रसंग लगाए हैं जहां जहां भगवान भोले शंकर रूठे हैं और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। एक बार ऐसा हुआ इंद्र और गुरु बृहस्पति दोनों के सामने भगवान भोले शंकर नग्न रूप में आए। नग्न रूप में आए तो इंद्र पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपमान किया भगवान भोले शंकर का। अपमान किया बड़े भयंकर भयंकर शब्द कहे और जब जब इतना सुना तो भगवान भोले शंकर नाराज हो गए फिर और जब रूठे तो उनके आंखों से ज्वाला निकली जो ज्वाला जल में समाहित हुई और उस जल में से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था जलंधर। सीखिएगा इस बात कहते हैं इंद्र को एक बार राज सुपर कर देव गुरु भी जान न पाए नंगे प्रलय कर देव गुरु भी जान न पाए नंगे प्रलय कर हमने अपमान किया भोले शंकर को क्रोध आया तब ज्योति हुई साकार तब ज्योति हुई साकार तो पैदा हुआ जलंधर और उसने ललकार तब ज्योति हुई साकार जलंधर कीनी है ललकार तब ज्योति हुई साकार जलंधर